साइड से आप कहाँ बैठेंगे? यहाँ आपके साथ बैठूंगा, मैं स्ट्रगल करूंगा आपके साथ बैठ What's up guys, welcome to my channel again, विकास खोकर। और आज मैं भी निकल रहा हूँ, एक प्रीमियर है मूवी का, साउथ की एक मूवी है जिसका हिंदी में रीमेक किया है और उसका प्रीमियर है जिसमें अनुपम खेर जी हैं और एक और एक्ट्रेस हैं, क्या नाम है उनका, जिनको अभी कैंसर, हाल ही में कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनको, महिमा चौधरी वो है और साउथ के ही एक न्यू कमर है। अरे यार, एक तो ये मेरा जो होल्डर है वो बहुत लूज हो गया है, तो उसकी वजह से बार बार जो मेरा सेटअप है कैमरे का वो नीचे गिर जाता है। तो बस मैं निकल रहा हूँ उसके लिए, प्रीमियर के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ वीडियो अगर मैं शूट कर पाया तो मैं ज़रूर करूंगा कैसा होता है प्रीमियर। तो मैं अभी बस घर पहुंच रहा हूं, घर पहुंचने के बाद मैं रेडी होता हूं और उसके बाद मैं निकल जाता हूं। तब तक के लिए मुझे कैमरा फिर से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत है। That's it. अब अंधेरा हो जाएगा, ये हो गया। बिल्डिंग में ऊपर जाता हूँ, तैयार होता हूँ, निकलता हूँ। अभी मैं ऑफिस गया था, आज कुछ काम था ज़रूरी, कुक्कू गई हुई है दिल्ली रक्षाबंधन पे, तो वो कल या परसों आ जाएगी, अभी डेट डिसाइड नहीं है कब, बट उसने बोला है मैं कल या परसों की फ्लाइट करूंगी। लेट्स सी, बाय बाय, होम स्वीट होम। कुक्कू के बिना वैसे घर बहुत सुना सुना लगता है, और ये देखो मैं तो यहीं पे सो जाता हूँ टीवी देखता देखता, क्योंकि कुक्कू नहीं है तो कहाँ बेडरूम में जाके सोऊंगा। तो कितना सुना लगता है ना एक, जब आपका पार्टनर नहीं होता है और आपको उसकी आदत हो जाती है रहने की साथ में, तो बहुत याद आती है पार्टनर की। और ये हाल भी हो जाता है घर का, किचन का भी हाल दिखाता हूँ, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बैचलर्स वाली जो ज़िंदगी थी जो बहुत पहले मैं जीता था वो फिर से याद आ गई मुझे। ये देखो क्या हाल कर रखा मैंने किचन का, और काम वाली भाई भी कभी आती है कभी नहीं आती, आती भी है तो मैं ऑफिस निकल जाता हूँ उसके बाद आती है। ये मेरे बेडरूम की हालत देखो कैसी है, वो आएगी तो फिर चिल्लाएगी मेरे बिना घर कैसे रखा हुआ है, तमीज नहीं रहने की, ऐसे कचर कचर करेगी आके। पर क्या करें भाई, अब आदत ही हो गई है साथ में रह के, और एक साथ दोनों को, हमारी शादी को कितना टाइम, डेढ़ साल होने वाला है करीब, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हाँ डेढ़ साल कंप्लीट हो गया है। और डेढ़ साल में ऐसा लगता है कि कई सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत पुराना हमारा नाता है। तो मैं भी अभी देखता हूँ, जाता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, एक फ्रेश होता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और प्रीमियर के निकलता हूँ। जो भी वीडियोस रहेंगी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जैसा भी वहाँ पे रहेगा, और घर की हालत थोड़ी ठीक कर देता हूँ। पूरा घर तहस नहस करके रखा हुआ मैंने, कपड़े देखो, जूते देखो, बिस्तर देखो, बेडरूम देखो, टाणाओ। तो मैं निकल रहा हूँ प्रीमियर के लिए, और सब तैयारी हो गई, निकलता हूँ वहाँ का कुछ शूट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और फिर उसके बाद वापस घर आके जिम जाना है, खाना खुद ही बनाना पड़ रहा है रात को क्योंकि कुकू है नहीं, तो खाना बनाना है आने के बाद,
या फिर हो सकता है कि मैं वहीं पर कुछ खाकर आ जाऊं। मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं जो नवभा टाइम में रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और इनविटेशन उनकी तरफ से आया था कि विक्की ज़रूर आना है तेरे को, तो मैं ना नहीं बोल सकता उसको, भाई को। तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ कौन कौन लोग मेरे को वहाँ मिलते हैं प्रीमियर पे, कुछ वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा और फिर फटाफट घर आकर जिम निकलता हूँ। Hey, so I'm back. ज़्यादा देर का स्क्रीनिंग नहीं था क्योंकि मैं हाफ मूवी से उठ के आ गया। इतनी बोरिंग मुझे को लगी, एक तो साउथ इंडियन ऊपर से हिंदी में डब हो जाती है तो वैसी थोड़ी कॉमेडी टाइप बन जाती है वो, तो मैं हाफ मूवी से उठ के आ गया क्योंकि मुझे जिम भी जाना था और मैं आने के बाद मुझे कुछ खाना भी था क्योंकि वहाँ पर जो वो लोग दे रहे थे समोसा और ब्रेड पकौड़ा वो सब मैं खाता नहीं हूँ क्योंकि आजकल डाइट पे हूँ मैं, तो इस वजह से मैं जल्दी उठ के आ गया और मैं अभी बस निकलता हूँ अपना जिम की तैयारी करता हूँ। कुछ खाने के लिए देखता हूँ क्या है, बर्तन तो सब गंदे हैं, कुछ बनाता हूँ, ओट्स बनाता हूँ। यस ओट्स आपकी ऑलमोस्ट रेडी हैं, 2 मिनट में और तैयार हो जाएंगे ये। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं और मैं पानी में बनाता हूँ ओट्स, बहुत सारे लोग दूध में बनाते हैं जो इतना हेल्दी नहीं होता, पानी में ओट्स बनाते हैं। चीनी मत डालिए, चीनी अगर नहीं डालेंगे तो शहद आप डाल सकते हैं, शहद बहुत अच्छा होता है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और ये एग बॉइल्स जो मैं जिम लेके जाऊंगा, बस खाता हूँ। खाने के बाद मैं नहाता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर ही जैकेट पहन के निकल गया था क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, थिएटर के अंदर सर्दी बहुत होती है, एसी चलता है तो ठंड लगती है, तो मैंने ऊपर जैकेट पहन लेते हैं, नीचे जीन्स और एक सैंडो और टप टप। तो चलिए ओट्स भी हो गए तैयार, फटाफट खाते हैं, नहाते हैं और निकलते हैं जिम की ओर। वर्कआउट इज डन, स्टीम हो गई, ये अपना चेंजिंग रूम, बैग, कुछ खा लेता हूँ जाके प्रोटीन। अच्छा, यहाँ क्लब्स भी हैं हमारे जिम के नीचे, हैक्स और एक और क्लब है कौन सा है, तो ये इन्होंने पार्किंग में भी ऐसी लाइटें लगा रखी हैं, हैक्स है और वो है शायद बार, क्या नाम था भूल गया। तो मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, वैले लेके आ रहा है, तो आ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी में। अब ड्राइव करते हुए व्लॉग तो बनेगा नहीं, तो मैं घर जाके आपको व्लॉग ये एंड करता हूँ।
बाय। छह महीने पहले ये पूरा पैटर्न प्रिडिक्ट कर दिया था। एंड यू रिमेम्बर आई प्रिडिक्टेड दैट विदाउट सॉलिड एविडेंस वी विल नॉट हैव अ स्टोरी, विदाउट प्रूफ या कोई सामने से बोले कि आ नहीं जाता। शादी के बाद इतनी बुरी हैबिट हो जाती है बीवी की कि जैसे मैं जिम से आता था तो घर पर आते ही बैग ऐसे रख देता था और मेरी बीवी पूरा बैग अनपैक करती थी। हैं, खाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, घर पर आते ही जूस मिल जाता था, घर पर आते ही पानी मिल जाता था। और अब ऐसा लग रहा है यार सारा सब काम खुद ही करना पड़ेगा। शादी से पहले तो फिर भी आदमी थोड़ा सा ये होता है कि उसी को करना है, पर शादी के बाद तो बिल्कुल ही डिपेंड हो जाता है वाइफ पे। तो अब ये सारे कपड़े इसमें से निकाल के धुलने डालने हैं, ये देखो मैं ये पहन के गया था, यहीं पे पड़ी हुई है ना। फिर जो मेरे ये देखो हालत, वो काम वाली भी नहीं आ रही 2 दिन से। तो यार बड़ी बुरी हालत हो जाती है अगर बीवी ना हो घर पर। तो आज ही मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा ऐसा हो गया घर का मम्मी का लाड वाड, अभी फटाफट आ जा, मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ अभी यहाँ पे ना सारा। हालांकि हम दोनों मिलके ही करते हैं सारा काम, पर ये है ना एक बहुत अच्छी बीवी होने के नाते उसने मेरा सारा काम संभाला हुआ है। एक एक चीज़ उसको पता होती है, कहाँ है, इसको क्या चाहिए, कब चाहिए, एक साथ घूमना फिरना खाना। तो बहुत बुरी वाली आदत है हमको एक दूसरे की, फिर भी चलो जब तक नहीं आज तब तक मैं करता हूँ। और यहीं पे ब्लॉग को एंड करता हूँ। एक्सरसाइज करके आऊँ, थक गया हूँ, खाना खाऊँगा और टीवी देखता हुआ यहीं सो जाऊँगा मैं। तो चलिए ऐसी बॉडी बनानी है फिर से, बहुत टाइम हो गया। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हास्ता ला बिस्ता बेबी।